हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इसका व्हील जो क्रैंक जो लूज हो जाती है, व्हील जंपिंग करने लगता है, तो इसे हम कैसे ठीक करें। तो आप देखिए हमारा व्हील कितनी जंप कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से इंजन ज़्यादा माइलेज नहीं देगा और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसको हम आज बताएंगे कैसे इसकी सेटिंग करना है, कैसे इसकी यहाँ पे चाल जो होती है वो ख़त्म करना है, आपको फिक्स डिजाइनिंग या सेटिंग करनी है। तो पहले आप गियर बक्सा खोल लीजिए, हम इधर से बिना व्हील खोले व्हील की चाबी को हम सेटिंग करेंगे। तो पहले गियर बक्सा खोल लेते हैं, फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। वीडियो पे अगर हमारे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप अच्छे से तरीके से खोल लीजिए, ताकि ये अभी नया इंजन किसी दूसरे कारीगर ने बांधा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जंप कैसे ठीक करें तो हम आपको दिखाएंगे कैसे जंप आपको सेटिंग करना है और बिना व्हील खोले। इधर से भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो पहले आप अगर टाइमिंग निशान लगे हैं तो टाइमिंग निशान को अच्छी तरह से साफ करके ढूंढ लीजिए। टाइमिंग निशान आपके पक्के हैं तो वहाँ से आप गियर खोल के डायरेक्ट निकाल लीजिए। अगर टाइमिंग निशान नहीं है तो किसी छेनी या नोकदार आइटम से उसमें दाग बना सकते हैं, ताकि टाइमिंग मिलाने में आसानी रहेगी। नहीं, उसके लिए ज़्यादा थोड़ा समय खर्च होता है। अगर टाइमिंग सेटिंग करना है तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाके टाइमिंग सेटिंग का वीडियो देख सकते हैं। ये 15 नंबर से इसका वोल्ट खोल लीजिए। अब इसको गियर को बाहर निकालना है। छोटा गियर, इसे क्रैंक सॉफ्ट गियर बोलते हैं। थोड़ा टाइट है, निकल आएगा, फिलहाल हिल रहा है। क्योंकि हमारे भाई लोगों ने बहुत लोगों ने कहा कि वायरिंग को टाइट या सिम डालने का तरीका बताएं कैसे डालें, तो इसीलिए हमने ये वीडियो हमारा पड़ा था पहले, इसे मैं रीअपलोड वॉइस डबिंग करके कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारा एक ब्लॉग वेबसाइट है, वहाँ भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप इसको, आपका ये गियर बाहर निकल चुका है। ये 3 बोल्ट जो प्लेट दिख रही है आपको, ये तीनों बोल्ट आपको खोलना है। ये 13 नंबर बोल्ट लगे होते हैं। मैंने इसमें बोल्ट थोड़ा बनवाए थे तो इसमें 15 नंबर ही बोल्ट लगे हैं, इसके बोल्ट होल फ्री हो गए थे। मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा, आप वीडियो थोड़ा लंबा तो है मगर इसमें आपको समझ में आ जाएगा कहां से इसकी चाल को सेटिंग करते हैं, ताकि इसमें आपके व्हील में जंप ना रहे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इससे आप कभी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिंग ये दिख रही है आपको, मेन बैरिंग, ये बैरिंग का नंबर 32211 होता है। ये देखिए इसमें यहाँ पे पड़ी हुई हैं कुछ पत्तियाँ, ये बैरिंग सिम बोलते हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने कुछ पहले से एडवांस मंगाई थी, तो उसमें थोड़ा हम बढ़ाएंगे सिम को, ताकि वहाँ पे आपकी जंप समाप्त हो जाए।
आप ये देख लीजिए। अभी मैं आपको ये सिम भी डाल के दिखाता हूँ, कैसे सिम को डालें, कैसे सेटिंग करना है आपको। तो ये मैंने थोड़ा बढ़ा के सिम यहाँ पे रख दी है, और इसके ऊपर से आपको फिर उस वैसे ही आपको प्लेट को लगा देना है। बहुत सावधानी से लगाएं, क्योंकि इधर उधर से निकलने के चांसेस रहते हैं, और हम आप कस देते हैं वो बाहर की बाहर ही अधिक अधिक रह जाती है। नया बैरिंग सिम 5 डालनी मैंने इसमें नया मिलाई है, और पुरानी ही थी साथ में मैंने। इसको हम टाइट करते हैं 3 वोल्ट लगा के, फिर दिखते हैं कहाँ तक हमारा रिजल्ट पहुँचा। प्लेट को आपको बराबर टाइट करना है, तीनों बोल्टों जो बोल्ट लगे होते हैं इसको बराबर फिक्स कसना है। अगर एक बोल्ट भी इधर उधर हो गया तो आपको इसमें दिक्कत होगी टाइट करने में, और टाइट भी नहीं आपका करंट होगा। ये 2 15 नंबर हैं, 1 13 नंबर है। अच्छे से बराबर कसें और उसका बैरिंग चाल भी चेक करते रहें बराबर। ये भी देख चेक करते रहें कि आपका ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। अगर टाइट ज़्यादा है तो उसी जगह पे आप रुक जाइए, उतना आप सिम कम कर सकते हैं। यही आपको देखना है, आपको टाइट तो नहीं ज़्यादा हो चुका है। बराबर आपको कसना है टाइट 3 वोल्ट, आपके 3 वोल्ट टाइट हो चुके हैं, और पहिया भी आपका घुमा के देख सकते हैं टाइट नहीं हुआ है। इसमें यही आपको सेटिंग करना है, आप ये देख सकते हैं आपका व्हील जो जंप कर रहा था वो आपका व्हील अब जंप नहीं करेगा। यहाँ से आपकी वायरिंग सेटलमेंट हो चुका है। यही आइडिया मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग ये भी समझ सकें। तो आप देख सकते हैं, तो हम अब देख सकते हैं आप उसी जगह पे अब मुलायम बहुत अच्छा व्हील घूम रहा है। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कितनी जंप है कितना नहीं। हमने 3 वोल्ट को टाइट कर दिया है, फिर दोबारा चेक कर लीजिए ताकि ये चलने के पश्चात ये खुले ना। यही आपको देखना है, ये आपकी व्हील, ये मैंने सिम जो डाली थी उससे हमारा समस्या का समाधान हो चुका है। अब हम आप ये देख सकते हैं मैंने व्हील के लिए यहाँ पे रख दिया है कि व्हील चेक भी कर लें कितना मुलायम कितना अच्छा घूम रहा है, इसमें जंप का फिक्सन नहीं रहा है। उसमें अब मैंने ये पाना डाल के देख रहे हैं फिलहाल। इस यहाँ पे आपकी जो चाल थी जो डिग थी वायरिंग में वो नहीं हो रही है, वो हमारा फिक्स हो चुका है। फिक्स होने के बाद आपको फिट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको लोड टेस्टिंग भी दिखाएंगे कैसे क्या काम कर रहा है। गियर टाइमिंग फिर उसी जगह पे आपको उसी निशान पे सटीक सेट कर देना है। गियर टाइमिंग अच्छी तरह से उसी जगह पे सेटिंग करें, इधर उधर टाइमिंग अगर हो गया तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। आराम से उसी जगह पे सेट कर देना है आपको। सीधा चाबी के सामने आप सटीक लगा दीजिए, ये आप फिर उसको गियर कटोरी को फिट कर दीजिए।
अच्छे से टाइट करें कि चलने में खुले ना। ये हमारा ये सब फिटिंग हो चुका है। हम गियर बक्सा फिट करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये हमारा गियर बक्सा टाइट हो चुका है, बंद कर दिया गया है। सारे बोल्टों को अच्छी तरह टाइट कर दिए ताकि यहाँ से मोबिल ऑयल ना निकले। हम आपको दिखाते हैं कैसे का हमारा फिटिंग को। शाम हो चुकी थी तो आप देख सकते हैं हमारा इंजन ये स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा रात हो चुकी थी इसी के चक्कर में बनाते बनाते, तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंजन सही चल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।